हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल 777 सोल टैरो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे हैं, खुश हैं, अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ रहे हैं। तो आप सभी के लिए जो मैं रीडिंग करने वाली हूँ, टॉपिक है आपकी कौन सी इच्छा पूरी होने वाली है बहुत जल्द, कौन सी विशेज़ हैं आपकी जो पूरी हो जाएंगी आने वाले टाइम में, और किस तरह से आपकी विशेज पूरी हो सकती है। अगर उसका कोई रास्ता यहाँ पर दिखेगा रीडिंग में तो मैं आपको बताऊँगी। तो बेसिकली कौन से विशेज़ आपकी पूरी हो सकती है और क्या गाइडेंस आपके लिए आ रही है जिससे कि आप जल्द से जल्द अपनी विशेज़ को पूरा कर सकें या फिर अपनी विश तक पहुंच सकें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग को बिना देर करे और देखते हैं क्या आता है। स्टार्ट करने से पहले मैं हमेशा की तरह बता दूं कि ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे, सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। टाइमलेस रीडिंग भी है ये, जब भी आप यहां तक पहुंचेंगे तो आप देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। वी हैव सर्विस, पैशन, विक्टिम, रिस्पोंडेंस, वेट अ सेकेंड, ओके यहां से है ग्रैटिट्यूड, चलिए दो कार्ड्स ले लेते हैं। वाओ, इनसिक्योरिटी। गाइज, मिरेकल तो आते हुए दिख रहा है आपकी ज़िंदगी में, लेकिन कुछ चैलेंजेस कह लीजिए या फिर ऑप्टिकल्स कह लीजिए जो आपके ना विश को पूरा होने के बीच में आए हुए हैं, यानी कि रुकावटें हैं कुछ यहाँ पर। आपकी विश पूरी हो सकती है, जो भी पैशन है ना आपका वो आपका पूरा हो सकता है, जो भी बनना चाहते हैं आप ज़िंदगी में वो आप बन सकते हैं। सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल जो मुझे दिख रहा है वो दिख रहे हैं आपके हेल्थ इश्यूज़। आपकी हेल्थ ठीक नहीं रहती है या फिर आप अपनी हेल्थ पर उतना ध्यान नहीं दे पा रहे हो जितना आपको देना चाहिए। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को ना थोड़ी बीमारियां हैं, लाइक ब्लड प्रेशर इश्यूज़, थायराइड और शुगर प्रॉब्लम्स, ठीक है, इस तरह से डायबिटीज़ वगैरह के इश्यूज़ अगर हैं तो आप सभी को बहुत अच्छे से पता है कि आपको किस तरीके से खुद को खुद की हेल्थ को मेंटेन रखना है और कितना एक्सरसाइज, योगा, मॉर्निंग वॉक वगैरह आपको करना है, आप कर नहीं रहे हो। तो आपके ना थोड़े से हेल्थ इश्यूज हैं जो कि आपके पैशन को पूरा होने में बहुत बड़ा एक रुकावट बनने का रोल प्ले करेंगे। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना है और अपना ध्यान रखना है अच्छे से। और अगर आप इस टाइम प्रेग्नेंट हैं, ठीक है, और अगर आपको कुछ इश्यूज हैं प्रेगनेंसी के टाइम पर, तो गाइस डॉक्टर से कंसल्टेंसी अच्छे से कीजिए, बिकॉज अगर आप कंसल्ट करेंगे तो वो आपको टाइम टू टाइम अपडेट करेंगे आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी आप अच्छे से अपने बेबी को घर लाएं, तो गाइस डेफिनेटली देखो आपको बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है, अपना डाइट अच्छे से फॉलो करना है, क्योंकि हो सकता है कि आपके विश है कि आपके घर में बेबी आ जाए और अगर आप ध्यान नहीं रखोगे तो फिर थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, ठीक है। इसीलिए जो डॉक्टर कह रहे हैं आपको, आप उन्हें अच्छे से फॉलो करो, ठीक है। जितने भी सिंगल लोग हैं यहाँ पर वो अपने पैशन को लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, तो आप अपने पैशन को फॉलो कीजिए और जितनी भी ऑडियंस या जनता या आपके घर परिवार के लोग अगर आपको डीमोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि आप कुछ और करें और आप चाहते हैं कि आप अपने पैशन को फॉलो करें, तो किसी की सुनना नहीं है आपको। अगर आपके अकॉर्डिंग वो चीज़ राइट है और उससे किसी को अभी कोई बुरा नहीं हो रहा है, तो डेफिनेटली आपको अपना पैशन फॉलो करना चाहिए। आप में से मुझे ज़्यादातर लोग सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं, लाइक आपको टीचर, डॉक्टर, लॉयर या फिर कोई गवर्नमेंट सर्विस या फिर वॉलंटियर बनना है, लोगों के लिए कुछ भले काम करने हैं, अच्छे काम करने हैं। अगर ऐसा कुछ आपके मन में आ रहा है और आप केपेबल हैं, आप कर सकते हैं अगर, तो आपको करना चाहिए डेफिनेटली, ठीक है। ये आपका ड्रीम है कि आप लोगों के लिए कुछ करें या फिर अपनी ड्रीम जॉब हासिल करें, तो आपको किसी की सुननी नहीं है, बिकॉज अगर किसी और की सुनोगे उनके प्रेशर में आके, तो हो सकता है उस जॉब में आपका मन ना लगे,
तो इसीलिए वो करो जो आपके लिए अच्छा है, आपके लिए एक बहुत ही इजी है आपको अचीव करना और आपका मन है उसमें। तो आपको विक्टिम नहीं बनना है, आपको अपना पैशन फॉलो करना है, आपको अपनी लाइफ में जो आपका दिल कह रहा है वो करना है। कुछ लोग यहाँ मुझे लव लाइफ से लेकर काफ़ी प्रॉब्लम में दिख रहे हैं, बहुत बोर हो रहे हैं, लाइफ में कुछ अच्छा करने के लिए है नहीं, ऐसा फील हो रहा है आप लोगों को, काफ़ी इनसिक्योरिटी आपके मन में है, कंफ्यूजन आपके मन में है। तो गाइस यहाँ से अगर आप चाहते हैं कि आपको अच्छी वाइब्स आएँ तो आप प्रार्थना कीजिए अपने कनेक्शन के लिए, अगर आपको लगता है कि ये आपका सोल कनेक्शन है स्पेशली अगर, ठीक है। बिकॉज आपका जब तक एनलाइटनमेंट नहीं होगा तब तक हो सकता है कि आपका यूनियन ना हो, और आपकी सबसे बड़ी डिज़ायर है कि आपका यूनियन हो जाए। तो अपने एनलाइटनमेंट पर फोकस कीजिए, कैसे आप अपने सोल को अपना सोल एक्सपेंशन करेंगे, एनलाइटेंट होंगे, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रार्थना करते रहिए बिकॉज ये मिरेकल मुझे आपके पास आता हुआ दिख रहा है, और आपकी प्रार्थना में डेफिनेटली गाइस काफ़ी पावर है। और मुझे लगता है कि जल्दी ही अगर जो भी यहाँ पर सोल जर्नी में हैं तो आप लोग अपने प्रार्थना से, अपने हार्डवर्क से अचीव कर सकते हैं इस कनेक्शन को हमेशा हमेशा के लिए, ठीक है। इसलिए आपको गिव अप नहीं करना है। सबसे पहली बात है इनसिक्योरिटी अपनी लाइफ से बिल्कुल रिमूव कर दो, बिकॉज अगर ये चीज़ आपके लिए है तो फिर आपको मिल के रहेगी, कोई इसको आपसे छीन कर नहीं लेकर जाएगा, ठीक है। और अपना ध्यान रखिए जो भी प्रेग्नेंट हैं या जिनको भी ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं, बिकॉज़ ये आपके पैशन में एक ऑब्स्टिकल बन जाएंगे और फिर आपका जो डिले है वो बढ़ता ही जाएगा आगे आगे, ठीक है। इसीलिए आप लोगों को अगर अपनी विशेज़ पूरी करानी है तो आपको ये सब चीज़ें करनी है। किसकी क्या विश है, यहाँ पर तीन तरह की विशेज़ आई हैं मेरे सामने जो कि मैंने बता दिया, और क्या इन विशेज़ के आगे चैलेंजेस हैं, कैसे आपको इनको इनके साथ डील करना है, मैंने सब एक्सप्लेन करा है आपको अच्छे से, ठीक है। अब देखते हैं और आपके लिए क्या हो सकता है इम्पोर्टेंट जो आपको जानना है अपनी विश के रिगार्डिंग। देख लेते हैं यहाँ से, रिलेशनशिप, फ्रीडम, ऑनेस्टी, फ्रेंडशिप, एनवी एंड वी हैव परसिवरेंस। यहाँ पर जो कार्ड्स आए हैं मैं बताती हूँ, देखो आपकी विशेस पूरी हो सकती है। सबसे पहले अपने आप के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बनाइए, आप अपनी केयर कीजिए, अपना ध्यान रखिए। खुद के साथ अच्छा रिलेशनशिप बनेगा तो आप एक अच्छा रिलेशनशिप अट्रैक्ट करोगे अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। जिसके भी साथ आपको रिलेशनशिप करना है, जैसा पर्सन आपको चाहिए आपको वैसा बनने की भी कोशिश करनी पड़ेगी अपनी ज़िंदगी में। अगर आप चाहते हैं कि आपको एक ऐसा पर्सन मिले, ऐसा पार्टनर मिले जो आपको फ्रीडम दे, आपको सपोर्ट करे, तो आपको पहले उतनी फ्रीडम अचीव करनी है खुद से, ठीक है। आपको फ्रीडम अचीव करनी है, आपको अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट बनना होगा, तभी ये बेस्ट रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आएगा। अगर आप चाहते हैं एक ऑनेस्ट पार्टनर आपको मिले तो आपको ऑनेस्ट बनना पड़ेगा पहले, तभी आप वो चीज़ अट्रैक्ट कर पाएंगे, क्योंकि एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को ही अट्रैक्ट करती है, ठीक है। कोई और कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसे आ, आ, तो इसीलिए ना, अगर आप जो चाहते हैं अगर आप वैसा ही बनने की कोशिश करें, ओके, तो आप फिर उन चीज़ों को अट्रैक्ट करने लगेंगे और वो चीज़ें आपके लिए पॉसिबल हो जाएगी। तो अगर आपको सन की तरह शाइन करना है तो उनकी तरह जलना भी सीखना पड़ेगा, पेशेंस भी रखना पड़ सकता है, लेकिन यस, अगर आपने ठान लिया कि आपको करना है तो फिर आप कर सकते हैं, ओके। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसे पार्टनरशिप चाहिए या ऐसा कुछ एक ऑनेस्ट रिलेशनशिप चाहिए अपने पेरेंट्स के साथ या अपने सिबलिंग्स के साथ या अपने पार्टनर के साथ, तो आपको उन्हीं की तरह बिहेव या उन्हीं की तरह बनना पड़ेगा। मतलब अपना एक ऐसा स्टैंडर्ड बनाइए जिसमें वो कैरेक्टरिस्टिक हो जो आप दूसरे में देखना चाहते हैं, ठीक है। बिकॉज तभी आप ये चीज़ें कर पाएंगे, तभी अच्छी फ्रेंडशिप, एक अच्छा रिलेशनशिप, ऑनेस्ट पीपल आपकी ज़िंदगी में आने शुरू हो जाएंगे।
जितना हो सके गाइस, अगर आपके अंदर इनसिक्योरिटी है, इनवी है या किसी तरह का ग्रीफ है, तो उसको आपको हील करना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस आपको बढ़ाना पड़ेगा और पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी आपकी जो विशेज़ हैं ये पूरी हो सकती हैं। सपना पूरा करना इतना आसान नहीं होता, ड्रीम्स को पूरा करना इतना आसान नहीं होता, मेहनत करनी पड़ती है, बैठे बिठाए आपको कुछ नहीं मिलेगा। ये मैं कई बार बोल चुकी हूँ, इतिहास उठा के देख लो, जितने भी जो योगी थे या जिनको भी भगवान की तरफ से आशीर्वाद या अवतार मिला था, तो तपस्या की थी उन्होंने, बहुत कठिन तपस्या की थी, जब जाके उनको वो आशीर्वाद वरदान मिला था। तो आप बैठे बिठाए कैसे पालोगे सब कुछ, मेहनत करनी पड़ेगी आपको। जिसने मेहनत कर ली उसको मिलेगा, जिसको जिसने नहीं की तो फिर कुछ नहीं हो सकता। ओके, और देख लेते हैं आपके लिए और क्या गाइडेंस या कुछ भी आपके ड्रीम से रिलेटेड, आपके विश से रिलेटेड अगर आ रहा है तो मैं देखती हूँ अभी। या हो सकता है कि आपकी जिंदगी में विक्ट्री आ रही है, ठीक है, एक ऐसी पार्टनर आ रहे हैं जो आपको इमोशनली सपोर्ट करेंगे, आपको मोटिवेट करेंगे, आपसे प्यार करेंगे, ठीक है, ऐसा मैं कुछ देख रही हूँ यहाँ पर। बट ये तभी होगा जब मैंने जो मैंने बताया अभी, अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो। या सक्सेस आते हुए दिख रहा है मुझको, हार्डवर्क इज अ की टू योर सक्सेस, आपके सक्सेस की है हार्डवर्क, आपको स्टैंड लेना पड़ेगा, हार्डवर्क करना पड़ेगा। अब ज़्यादा डिले मत करो अपनी, अगर आपको अपना विशेज अपनी सारी विशेज अगर आपको पूरी करनी है, किस्मत में लिखा हुआ अगर आपको पाना है, तो अब डिले मत करो, एक्शन लेना शुरू कर दो, बिकॉज जो भी मिलेगा वो आपके हार्डवर्क से मिलेगा। बैठे बिठाए कभी किसी को ना कुछ मिला है और ना कभी मिलेगा। ओके, सो गाइज, दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप कि आपके साथ रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है तो कमेंट सेक्शन में बताना, चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। अभी के लिए बस इतना ही गाइज, बाय, टेक केयर।